हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी हम लोग जा रहे हैं जो अपनी RS 200 वाला प्रोजेक्ट है, एक्चुअली RS 400 वाला प्रोजेक्ट बोलना चाहिए मुझे। उसके लिए हमें इंजन मिल चुका है, और इंजन कहाँ मिला है आप सोच नहीं सकते हो कहाँ इंजन मिला है। बताओ कहाँ मिला भैया? गाड़ी में यार। किसकी गाड़ी में? अरे जिसकी जिसका इंजन मिला है उसकी गाड़ी में। तो एक्चुअली हम अभी जा रहे हैं सुशांत गोल सिटी, कार से निकले हैं और उधर से बाइक लेके लौटने वाले हैं। हेलमेट सब रख लिया है, और आपको दिखाते हैं इस वीडियो में कि कौन सी बाइक का इंजन यूज करने वाले हैं। और मैं ये भी समझाता हूँ कि क्या क्या चेंजेस हमें उस इंजन में करने पड़ेंगे आरएस की टॉप स्पीड बढ़ाने के लिए। बिकॉज जो इंजन हमें मिला वो है तो 400 सीसी कैटेगरी का, बट उसका लिमिटर थोड़ा पहले आ जाता है, तो ये सारी चीजें थोड़ी करनी पड़ेंगी। बाकी देखो ECU से मैं छिड़खानी नहीं करने वाला हूँ कुछ भी, तो वो सब वही रहेगा, स्टॉक रखने वाला हूँ। जो छिड़खानी होगी वो स्प्रॉकेट से होगी, और भी कुछ एक दो चीजें उनसे होगी। मतलब अभी फिलहाल एकदम मतलब इंजन चेंज कराने के बाद भी तुम्हें स्प्रॉकेट चेंज कराना पड़ेगा, और पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। R15 की चेन लगवाओ, उसका स्प्रॉकेट लगवाओ। वही एक इकलौती ऐसी बाइक है जो सबसे ज्यादा झेल सकती है, 1000 सीसी का इंजन भी झेल सकती है, सब चीजें झेल सकती है, और कोई गाड़ी नहीं झेल पाएगी 1000 सीसी का इंजन। हाँ यार, R15 पे तुम अगर 1000 सीसी का इंजन रख दोगे तो जो वो 1000 सीसी में परफॉर्म कर रही है बाइक, उससे ज्यादा बेटर R15 है। बता रहे जो वो बाइक परफॉर्म कर रही है उससे ज्यादा बेटर R15 परफॉर्म करेगी। देखो ट्रैक्शन कंट्रोल है उसमें, व्हीली कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, भाई सब कुछ तो है। इतना तो मेरी CVR में नहीं था। और तो और 3-4 इलेक्ट्रॉनिक ऐसे हैं जो कभी किसी बाइक ने दिए ही नहीं। कॉर्नरिंग कंट्रोल है उसमें, कॉर्नरिंग कंट्रोल, कॉर्नर पे जाके आराम से लेटते हुए जा सकते हो आप। हाँ एकदम मस्त कंट्रोल वे में, एकदम कंट्रोल गए हो क्या एक दो बार? नहीं देखा है मैंने कल। अच्छा अच्छा, कल ये दो लौंडे गिरा है भाई रास्ते में पीछे। तो अभी बस चल रहे हम लोग, और फटाक से पहुंचते हैं, आपको दिखाते हैं बाइक कौन सी है। तब तक गेस करने से क्या ही फायदा है, थंबनेल तो लगाऊंगा ही, कोई फायदा ही नहीं रहता है गेस करो बोलने से। इतना सस्पेंस बनाते हैं वीडियो में, जैसे लगता है आपने चूक गया। सब कुछ थंबनेल में लिख दिया लो। और व्लॉग करते टाइम ऐसा लग रहा है कि एकदम थंबनेल डालेंगे, कपड़ा ढक के हम ही खड़े होंगे उसमें, कुछ दिखेगा नहीं। मेरा क्या है, जो आदमी गाड़ी चलाता है ना उसके पैर अपने आप चलते हैं, तो मेरे पैर एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, ऐसा लगता है सारा खून पैर में चला गया है। अब कौन से पैर में आता है वो नहीं पता मुझे। अभी हम लोग आश्रय के घर के पास पहुंच गए, गोल सिटी आ गए, और भाई ये खतरनाक है। अभी वो सामने फ्लाईओवर कितना सुंदर बना है। हाँ भैया ड्रिफ्टिंग चल रही है, ड्रिफ्टिंग। तो एक इधर खाली इलाका है पीछे साइड जहाँ कार वार से ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट करते हैं लोग, तो हम भी वहीं पे आए हुए थे, हमने कहा थोड़े मजे किए जाए कार से। ओह भाई पूरी घुमा दी फिर से। रुको मैं उतर जा रहा हूँ, मैं बाहर, एक बाहर से दिखा दो सब्सक्राइबर्स के लिए। तो ये देखो ये खाली इलाका पड़ा है यहाँ पे, और यहाँ कोई नहीं आता। ओ भाई थोड़ा हट जाता हूँ यहाँ से। क्या बात है मेरे चीते, मजा आ गया। मैं घुमाता हूँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। कुछ और घुमाते हो? अबे नहीं गाड़ी की बात कर रहा हूँ। पूरी गेट बंद करो, घसीटो जरा, एक्सीलेटर बंद हो जाएगा। फाइनली हम लोग पहुंच गए, एक दो बार ड्रिफ्ट मार के गाड़ी घुमा घुमा के एकदम सब सारी चीज सारे स्टंट ट्राई करके। जिम जा रहे हो ना? नहीं, देखो चिकन लेग्स है, चिकन लेग्स। अबे लेग पहले वेट लगाओ पहले, फिर लड़की बैठा। इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने मस्त जिम में दो प्लेट लगाई इसने, और उसके ऊपर एक लड़की बैठाई, फिर लेग प्रेस मार रहा है वाला, प्लेट 40-40 किलो की मार। पैसा हो तो इतना प्लेट जगह लड़की यूज करता है भाई। ये बताओ लड़की डंबल में कैसे लगाते हो? तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि हम कौन सी गाड़ी लेने आए हैं। आश्रय के पास आए हैं, तो जो लोग पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें तो पता है कौन सी बाइक है। तो यहाँ पे खड़ी है इसकी डोमिनर 400। अच्छा पीछे वाली। ये देखो यहाँ पे डोमिनर 400 खड़ी है, इसका इंजन हम निकालने वाले हैं। और हमने मतलब एक दो कमेंट आए थे यूट्यूब पे कि कुछ लोगों ने और ट्राई किया है, मतलब यूट्यूब पे तो नहीं है, तो वो बोल रहे थे डायरेक्ट फिट है, बिना किसी प्रॉब्लम के डायरेक्ट इंजन फिट हो जाएगा, मतलब कोई भी इशू नहीं होगा। और पहले वाली डोमिनर लेने का एक रीज़न ये भी है कि जो नई वाली है उसमें शायद राइड बाय वायर और ये सारी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। बट ये इसमें तो आपका डायरेक्ट थ्रॉटल है, तो वो डायरेक्ट जुड़ जाएगा जाके, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो मेन चीज़ हमें देखनी है वो देखना है कि मीटर इसका चलेगा कैसे, चलेगा क्या चलेगा, वो सब देखना पड़ेगा। हाँ RIP, रेस्ट इन पीस बता रहा है।
नहीं आश्रय को पता है तुम्हें नई गाड़ी दिला देंगे भाई हम। सिर्फ कह रहा है पहले ले लो, मैं कह रहा हूँ अभी पहले ले लो, ये बॉन्ड साइन करा लो, S1000 इसलिए तो ले रहे हैं 2 दिन के लिए। अबे हाँ यार, ये इसके बदले S1000 ले जा रहे हैं 2 दिन के लिए। एक बॉन्ड साइन करा लो 2 दिन के S1000 में ये, और साथ में एथर भी दे रहा है, कह रहा अगर पावर कम लगे तो इसका इंजन भी लगा सकते हो। अबे ये कौन सी वाली है भाई, नई वाली है क्या ये? आओ इसको रोक के दिखाओ, रोक के दिखाओ इसको, रोक दोगे? अच्छा पोल पकड़ के पूरा मैप वैप सब लोड नहीं हो रहा है, अब उनको तो पकड़ने दो। 80 से ज्यादा जाती नहीं, क्या मतलब है? नहीं चली जाएगी, नहीं जाएगी। 80 पे लिमिटर लगा है, धीरे से घसीटे धीरे धीरे। पीछे ना सही से टेढ़ा है, देखना चले ही ना जाना। ले जाओ स्कूटी दूसरे पहले है मेरे को। लेकिन पावर बहुत है ना, लो भाई चला के देखे जरा। फ्लाइट हम छोड़ देते हैं भैया, ये सब नहीं देखते हम। सोने के चक्कर में फ्लाइटें छोड़ देते हैं। ये दूसरी है, उसमें यहाँ लाइट नहीं थी भाई, ये दूसरी स्कूटी है। ऑटो होल्ड तो नए वाले में भी आ गया है। स्नो मोड लगाओ, रिस्टार्ट स्टार्ट तो करो, स्वाइप करके डिस्प्ले। स्नो मोड 2x2 लगाओ, स्नो मोड। तो अभी बस यहाँ से डोमिनर लेंगे, अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप रेडी करेंगे और चलेंगे लेके। अरे अबे कैसी आवाज आ रही है भाई, टॉप पे लगी है, सबसे पावरफुल है। सबसे पावरफुल है ये। अरे बाप रे, क्या मार रही है भाई, ABS नहीं है इसमें? हमें नहीं पता, ABS नहीं है यार, चेक करो ना आगे पता होगा। नहीं है ए? ये डालो भी मुझे और क्या, मेरी लंका बजेगी पक्का। भाई क्या स्कूटी है भाई, क्या स्कूटी है यार, बहुत पावर है। रिवर्स गियर कैसे लगता है? ये हाँ रिवर्स लगा एक्सेलरेटर लो। बेकार है रिवर्स। रियर कैमरा नहीं है पार्किंग? सेंसर भी लगा होगा ना। ऑटो पर भाई, अरे फुल है, पता नहीं मेरे को, यूज नहीं किया मैंने। बड़ा बैलेंस ही कर लो। तो ये है आश्रय की डोमिनर, जिसका इंजन हम लोग निकालने वाले हैं। और जो चेसी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है बजाज की सारी बाइक्स में, मतलब चाहे NS ले लो RS ले लो, सब में चेसी सिमिलर होती है। तो बहुत ही इजी फिटिंग होने वाली है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली मुझे ऐसा लगता है। बाकी आशा भाई क्या ख्याल है? बाइक जैसी जा रही है वैसी छोड़ देना। हाँ यार जैसे ले जा रहे हो वैसे छोड़ देना, पेडल लगा के दे देंगे इस बार तुम्हें, एकदम कचड़ा हालत में तुम्हारी चेन अलग, स्प्रॉकेट खत्म है, सर्विस नहीं, स्प्रॉकेट तो सब खत्म है एकदम। और एक बार सेल्फ लो, देखो क्या आवाज आ रही है। अभी ये रैप हटवा दूंगा, ये रैप हटवा दे, बताओ सड़ी गया है पूरा, वाइट कर दे वापस। ऐसी फटा हुआ रैप लाऊं? ठीक है, डन डन। ठीक है, कितने परसेंट था भूल गया हूँ? 25% था। 20 तो दोगे? हाँ ठीक है, 20% चाहिए ना। हाँ दिक्कत ये, पता नहीं इतनी कमाई होगी कि 20 में कुछ मिलेगा कि नहीं, समझ नहीं आ रहा। 20 रुपए मिलेंगे 20% में और क्या, रिस्क बहुत ज्यादा है कमाई में, ऐसी कह रहा है रिस्क है। रिस्क कितने वीडियोस पे लोग है, मतलब तो आप बता दोगे, रेंट पे काम कर रहा है ये। पांच करोड़ का चैनल कितने वीडियोस पे तुम ले रहे हो पैसा, एक वीडियो का कि जब से प्रोजेक्ट आ रहा है शुरू हो रहा है तब से? हाँ जब से शुभाई जी, जब से इसकी डोमिनर जा रही है उस दिन से। एक वीडियो आउट हो चुका है पहले ही। अरे वो तो खाली वीडियो था यार, मेरा वीडियो था वो। नहीं तो प्रोजेक्ट आ रहा है जब तक होना चाहिए तब तक 20% चाहिए। आज डोमिनर जा रही है, जो कमाई होगी 8 तारीख 11 तारीख ठीक, डन डन। जो कमाई होगी ऐसा ना हो यूट्यूब चैनल का खोलो पूरा बैठा है देख रहा है एक एक वीडियो पे कितना आया है, वो पहले के वीडियोस का भी काउंट होके जुड़ रहा है। इसका 20% चाहिए मेरे को पूरी इनकम का, बॉन्ड साइन कराओ। हाँ तो ये है फिलहाल बाइक, हम दिखा रहे थे आपको, तो बाइक देख लो। बाइक तो कितना चली, 40,000 चली, ऐसा ना 10,000 जो बचा है चलने का। हम जैसे इंजन लगाए गाड़ी उड़ गई, पता चले ऐसे ही इंजन रिबिल्ड का टाइम आ चुका है तुम्हारे। 41,000 चल चुकी है, तो बचा क्या गाड़ी में 41,000? 20,000 लो खत्म करो, 2 लाख चलती है बता रहे, जिस हिसाब से तुम इसको लेके फैले हो ना। चलना तो 40 भी नहीं चाहिए भाई, पता नहीं 40 कैसे पहुंच गई है।
तो बस अभी यार अभी हम लोग बाइक यहीं छोड़ रहे हैं, लुलू मॉल जा रहे हैं, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, उसके बाद बाइक लेके निकलेंगे। थोड़ा रात हो जाएगी बट व्लॉग करने में मजा आएगा शहीद पथ पे। चलो सो अभी हम आ गए S1000RR पे। बाय द वे आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं तो डोमिनर वापस ले जाने वाला था, तो एकदम से ये मैप अप लगा के ट्रिप पे कहाँ निकल लें, बट ट्रिप पे नहीं निकल रहे। सही बात ये है, मैंने डोमिनर पर बैठा है, मैंने पहला गियर लगाया, थ्रॉटल दिया, तब मुझे पता चलता है। आश्रय ने ये बात मुझे बताई नहीं कि डोमिनर की जो क्लच प्लेट है वो जली हुई है, मतलब मोर देन 80% क्लच प्लेट जल चुकी है, 20% बची है। तो रात हो गई थी, मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने कहा आज जाके ले आएंगे। बाय द वे अभी हम जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया सी राइड पे और आप लोग के लिए कंटेंट वंटेंट भी शूट करने वाले हैं। GSX 750 आ रही है। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो। बाकी जैसे ही डोमिनर एक बार घर पे आ जाएगी ना तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, इंस्टा पे सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा, तो इंस्टा पे ज़रूर से फॉलो कर लो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ, एंजॉय मैन, एंजॉय।